बाबा महाकाल के दर्शन करने आए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा के में कहा कि उन्होंने बाबा महाकाल से प्रार्थना की। मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश के नौजवानों को, मध्य प्रदेश के कमजोर वर्ग को आशीर्वाद मिले, मुझे आशीर्वाद मिले, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बने, यही मेरी बाबा से प्रार्थना है। उपचुनाव को लेकर कहा कि हमारी कोई रणनीति नहीं है, जनता समझदार है, मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधी सादी है, भोले भाले हैं, समझदार हैं, वह जानते हैं कि क्या गद्दारी हुई है, क्या सौदा हुआ है और वे ये जानते हैं कि किस पटरी पर मध्य प्रदेश चला गया है, कैसे मध्य प्रदेश को एक नई दिशा मिली थी। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के किसानों को, मध्य प्रदेश के नौजवानों को, मध्य प्रदेश के कमजोर वर्ग को आशीर्वाद मिले, मुझे आशीर्वाद मिले, मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रहे, मध्य प्रदेश के विकास का एक नया नक्शा बने, ये मेरी प्रार्थना है। आपकी आगे की रणनीति क्या है, कांग्रेस की आगे कांग्रेस क्या करने वाली है? हमारी कोई रणनीति नहीं है, हमारा कहना बिल्कुल साफ है कि जनता समझदार है, मध्य प्रदेश के मतदाता, मध्य प्रदेश की जनता सीधे साधे हैं, सरल स्वभाव के हैं, भोले भाले हैं, पर बहुत समझदार हैं। वो जानते हैं क्या गद्दारी हुई है, क्या सौदा हुआ है और वो जानते हैं कि किस पटरी पर मध्य प्रदेश आगे चल रहा था, कैसे मध्य प्रदेश को एक नई दिशा मिली थी। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की जनता हमारा साथ देगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर, शिवराज सिंह 16 दिन पूरे हो गए, उसको किस तरह से देखते हैं, क्या जो आने वाली सीटें हैं, कितनी सीटें आपको मिलने वाली है? देखिए, ये सब बात मैं नहीं करता, मैं तो कहता हूँ हमें सब सीटें मिलेंगी, मध्य प्रदेश की जनता ऐसा फैसला करेगी। पक्की जाँच कराएँ, 15 साल की भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ है ना, और ये अब मेरे 15 महीने कि जो जांच करना चाहते हैं मैं स्वागत करता हूँ। सर, उमा भारती अपने आप मोगली बता रही है अपने आप को, और अब पहले टाइगर, मोगली और अब उसके बाद शेर भी आ गए, क्या ये सब? देखिए, जब इनके पास कुछ कहने लायक नहीं होता तब कभी टाइगर बन जाते हैं, कभी ये बन जाते हैं, वो बन जाते हैं, इसका मतलब बात क्या है? असली बात जनता को नहीं कह पा रहे तो टाइगर कह के गुमराह क्या जनता होगी? जनता बहुत समझदार है, जानती है कौन टाइगर है, कौन हाथी है, कौन बिल्ली है, कौन चूहा है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।